Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request. Please get connected to the Telegram channel above, join it so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing the PDF of the question and answer, whatever is. Coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense that is the last lecture there is an i button given above please click it watch that particular lecture and then you can come here very importantly at the end is if you have not subscribed to our youtube channel please do make that a task for the day and subscribe to our channel and together with that also press the bell icon so that mr youtube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform that's as far as the reminders are concerned let me get started with today's lecture hello and welcome back to uh, stevenson makes it easy a quick check on my screen to check whether the audio is good enough or not okay seems to be fine let me go ahead ओके okay, आज का प्रोग्राम वही है हमको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर टू यूटिलिटी एनालिसिस में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको आगे लेके जाना है बाकी जो कहानी है वो पूरी सेम है यूटिलिटी का मतलब यूटिलिटी के फीचर्स यूटिलिटी के टाइप्स यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट और उसका जो अंडरस्टैंडिंग है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ पे और टेबल के माध्यम के द्वारा पूरी तरह से हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कर दिया है हमने शुरुआत की थी जो एल्फ्रेड मार्शल जी ने ओके प्रिंसिपल्स ऑफ जो इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत हैं उनकी किताब में उन्होंने एक कायदा दिया है और उस कायदे का नाम था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिसमें कहा गया था अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट अगर बाकी की चीज़ें ए बी सी डी ई एफ जी एच सेम रहेगी तो मेरा ये जो कायदा है ये पक्का क्या होगा सफल uh, हो सकता है यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है देखो जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हो आप टू व्हीलर खरीदते हो आप एक्टिवा खरीदते हो आप टीवीएस जुपिटर खरीदते हो आप सुजुकी एक्सेस खरीदते हो तो वो जो मैन्युफैक्चरर है हमेशा कहता है क्या हमारी गाड़ी एक लीटर में पचास किलोमीटर चलेगी एक लीटर में पचास किलोमीटर चलेगी पर वो हमेशा बोलता है अंड आइडियल राइडिंग कंडीशन आपको ये समझना है ये मतलब क्या है इसका कार्य क्योंकि मेरे को तो कभी पचास मिलता ही नहीं है चालीस तक जाती है हां वो क्या कहता है अंडर आइडियल राइडिंग कंडीशन वो बोल रहा है देखो भाई अगर गाड़ी को एक बार स्टार्ट करे फिर स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप मत करो कंटिन्यूसली जाओ कंटिन्यूसली जाओ रास्ता सेम रखो स्पीड सेम रखो तो आप बोलोगे बट ये थोड़ी पॉसिबल है कभी कभी गाड़ी रोकनी पड़ती है बीच में अभी अपना जगह आ चुका है ना अभी बीच में रोकना है तो ट्रैफिक सिग्नल आ गया तो फिर रोकना पड़ेगा ना स्पीड को कम करनी पड़ेगी ना टर्न तो मारना पड़ेगा ना तो बोलता है नहीं 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 देखो 50 किलोमीटर एक लीटर में तभी जाएगी जब आइडियल राइडिंग कंडीशन हो रास्ते में पॉट होल ना हो रास्ता साफ हो सीधा हो टर्न वन ज़्यादा ना हो हाँ तो उसका भी ये कहना है क्या अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट रस्ते को सेम रखो सर सीधा रखो सर गाड़ी को मत रोको सर हाँ स्पीड सेम रखो सर तो आपको 50 किलोमीटर मिलेगा अगर आप चेंज करोगे सर आना कानी करोगे किसी भी चीज़ में रास्ता बदल दोगे टर्न ज़्यादा मारोगे स्पीड को कम ज़्यादा करोगे तो सर 50 किलोमीटर नहीं मिलेगा ये कायदा जो हमने बताया है ये वादा जो हमने दिया है ये चल नहीं पाएगा तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने भी ऐसा ही कुछ हमको समझाया है क्या हमको समझाया है देखो भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है जैसे ही आप खाते जाते हो खाते जाते हो खाते जाते हो जो आपको फायदा मिलते जाता है मिलते जाता है, मिलते जाता है, जाता है है वो घटते जाता है घटते जाता है घटते जाता है हाँ बट उन्होंने कहा इसके लिए कुछ है ओके वो हमने पिछली बार पढ़ लिया आज हम एक्सेप्शन नामक चीज को सीख रहे हैं ओके एक्सेप्शन का मतलब क्या है देखो भाई ऐसा है कि अगर आप आ, एक आ, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की लाइन में या कोविड वैक्सीन के लाइन में खड़े रहो आपकी उम्र क्या है 20 22 साल दो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा नंबर 40 लोगों के बाद आएगा क्या है यार इतना स्लोको है तो देखो भाई ऐसा रूल है बट अगर कोई सीनियर सिटीजन आए जो 80 से ज्यादा उम्र रखता है उनके लिए क्या बोलेंगे नहीं सर आपको रुकने की जरूरत नहीं है सर आप आप जाओ आप जाओ आप सीधे काउंटर पे जाओ पांच मिनट में आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा घर पे। आप बोलोगे क्या है यार हमारे लिए एक कानून उनके लिए कानून तो वो एक्सेप्शन है ना भाई आपको समझना पड़ेगा कि वो सीनियर है अगर आर्मी के कोई ऑफिसर आए अगर लेडी विथ अ स्मॉल चाइल्ड आए छोटा बच्चा तो फिर उनके लिए तो थोड़ा आपको कानून अलग करना पड़ेगा एक्सेप्शन नहीं इनके लिए ये कानून नहीं है बराबर अगर एक रास्ते पर बराबर नाकाबंदी है तो तो आपको गाड़ी रोकना पड़ेगा अगर कोई चेक कर रहा है तो आपको उसको डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेगी उसको रीज़न बताना पड़ेगा बट कोई बड़ा मिनिस्टर अगर आता है या पुलिस का ही कोई वैन आता है तो वो ऐसे ही निकल जाएगा ए? उसको नहीं पूछा तुम अरे बाबा उन्होंने तो नाकाबंदी की है उनके लिए ये कानून एप्लीकेबल नहीं है वो क्या है वो एक्सेप्शन है अलग उनके लिए अलग हाँ तो ये कानून किन वजहों से किन रीजंस के वजह से या किन के लिए लागू नहीं होता नहीं इनके लिए लागू नहीं होता जैसे अगर आप एक भारतीय हो बराबर तो भारत का कानून आपके ऊपर लागू करेगा बराबर बट अगर एक विदेश का कोई ओके अभी कैसे काफी बार ऐसा होता है कि जो हमारा समुद्र तट है बराबर जो हमारा कोस्ट लाइन है वहाँ पर विदेशी जो आ, शिप्स होते हैं वो कभी कभी आ जाते हैं या उसमें कोई क्राइम हो जाता है बराबर तो फिर ये मुश्किल हो जाता है कि वो तो आ, समुद्र में थी किसके समुद्र में थी हमारे समुद्र में थी तो क्या हमारा कानून लगेगा तो ऐसा किया गया है कि देखो भाई आप आ, जिस लोग या जिस देश के लोग उस शिप पर थे उनका कानून वहाँ पर चल सकता है तो आई रिपीट नहीं नहीं हमारा कानून नहीं हमारे लिए कानून वो अलग है उनके लिए अलग कानून एक्सेप्शन यहां पर पहला क्या है हॉबीज क्योंकि देखो आपको क्या ये कानून पढ़ाता है आप जितना ज्यादा ज्यादा करते रहते हो खाते रहते हो पीते रहते हो वही चीज आप दोबारा दोबारा करते हो तो जो आपको मन की शांति संतुष्टि यूटिलिटी मिलती है घटती घटती जाती है पर अगर कुछ लोग जो हॉबीज रखते हैं शौक मतलब सवारी का शौक है बराबर तलवारबाजी का शौक़ है स्टैम्प्स जमा करने का शौक़ है या किताबें पढ़ने का शौक़ है संगीत सुनने का शौक है पेंटिंग बनाने का पेंटिंग कलेक्ट करने का शौक़ है ये जब एक और पेंटिंग एक और पेंटिंग एक और गाना एक और किताब पढ़ते हैं तो उसका जो फ़ायदा उनको मिलता है वो घटता नहीं है वो बढ़ता है तो जो लोग शौक़ रखते हैं इलेक्ट्रिकल शौक नहीं ओके okay? हॉबीज रखते हैं उस हॉबीज में जो वो काम कर रहे हैं जब वो काम रिपीट करते हैं तो जो फायदा जो मजा जो प्लेजर उनको मिलता है वो कम नहीं होता वो बढ़ता है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस परिस्थिति में इन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ओके okay? एक हो गया हॉबीज उसके बाद और कुछ है है ना जो कंजूस है मतलब देख एक कंजूस इंसान वो है जो अपना पैसा किसी के साथ बांटता नहीं है और जब उसको पैसा मिलता है एक और एक और एक और सौ और हजार और लाख और तो उसको तो और मजा आता है वो और खुश होता है और वो दिल में ये प्रार्थना जरूर करता है और पैसे दे देना प्रभु और पैसे लेकर आना इधर से लेकर आना उधर से लेकर आना लेकर आना मुझे तो और मजा आ रहा है मुझे फायदा और हो रहा है हाँ तो एक माइजर एक कंजूस बराबर जो पैसा चाहता है और पैसे उसे और खुशी देता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए लागू नहीं है नेक्स्ट क्या जी एडिक्शंस मतलब एक पियक्कड़ और अगर पिएगा उसे और मज़ा आएगा एक सिगरेट का जो धूम्रपान करता है ओके वो एक और पिएगा उसे और मज़ा आएगा या अगर कोई किसी भी तरह का ड्रग्स करता है ड्रग्स और करेगा उन्हें और मज़ा आता है उन्हें जब तक कोई रोके नहीं एडिक्शन ओके okay, कुछ लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं मैं ड्रग्स की बात नहीं कर रहा मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा बट कहते हैं सोशल ड्रिंकिंग सोशल ड्रिंकिंग का मतलब क्या है कुछ नहीं पार्टी थी एक पैग मार लिया दोस्त मिले थे दो पैग मार लिए अच्छा वो सोशल ड्रिंकिंग बट कुछ लोगों का काबू नहीं होता वे वो सोशल हो नॉट सोशल हो मैं तो दोनों को ही गलत मानता हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है पर एल्फ्रेड मार्शल जी ने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया है एक पियक्कड़ बोलेगा ओ अल्फ्रेड मार्शल तुम ही अपने पास रखो मेरे को तो मजा आता है एक और पेग से एक और मजा आता है एक और बियर से और मजा आता है मैं तो चाहता हूं और 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 मैं तो घर ही ना जाऊं सिगरेट और 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 मैं तो घर ही ना जाऊं हाँ तो आई रिपीट जो लोग आ, इस एडिक्शंस में है गलत जो चीज़ों का सेवन करते हैं बराबर उन लोगों को ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है ओके नेक्स्ट मुद्दा क्या है जी पावर इलेक्ट्रिकल पावर नहीं जी कंट्रोल करने का पावर एक क्षेत्र को एक देश को एक इलाके को ओके okay? कि जब कोई भी गुंडा अपनी धौस जमाता है और दस लोग घबरा जाते हैं बराबर तो वो क्या बोलता है अरे दस लोग घबरा गए जो मैं बोलूँगा ये लोग करेंगे मैं और बीस लोगों को अभी क्या करूँगा मैं और डराऊँगा क्योंकि मुझे वो पावर चाहिए मैं ये पूरे एरिया को डराऊंगा सभी लोग मेरे नीचे होने चाहिए मैं और एरियाज में जाऊँगा तो आई रिपीट माई सेल्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो पावर उनके पास है ओके उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है खुश नहीं है वो और लोगों पर और जगहों पर काबू पाना चाहते हैं क्योंकि जो पावर उनको मिलता है जो समर्थ उनको मिलता है उसको वो और 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 बढ़ा वो ही उनको ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है ओके उनके उस कैरेक्टर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है एंड दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर और वो उनको और मजा ओके देते रहता है तो जिन लोगों को जिनके पास पावर है वो कम पावर नहीं चाहते वो चाहते हैं ज़्यादा मेरा मेरे धोस और बढ़ जाए पांचवा और आखिरी पैसा क्यों भाई ऐसा है कि पैसा अगर आपके पास हो उसकी यूटिलिटी कभी शून्य नहीं होती है वो अलग हो सकता है पैसे की यूटिलिटी एक गरीब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होती है अगर उसके पास में और पैसा मिले तो वो और सेटिस्फाइड होता है और पैसा मिले और सेटिस्फाइड होता है तो यहां पर डिमिनिशिंग गरीब इंसान के लिए जब पैसा मिलता है नहीं बट अगर वो अमीर बन जाता है इतना अमीर के अपना सिगरेट वो वो पैसा जलाकर जला सकता है ओके बैठे बैठे वो लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहा है तो उसके लिए वो पैसे का कोई भी महत्व नहीं है क्योंकि बैठे बैठे ही उसका एक का दो, दो का दस दस का सो होते जा रहा है तो कुछ लोगों के लिए पैसा इंक्रीजिंग यूटिलिटी देता है कुछ लोगों के लिए कोई यूटिलिटी देता नहीं है तो पैसे के लिए जहां तक पैसे की बात आती है ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाता है एक्सेप्शन इस कानून का पांच मुद्दे आपको बताए गए हमारे देश को पिछले कुछ सालों से ये चला रहे हैं ये आपकी मदद करेगी ये पांच मुद्दों को याद रखने में मैं नहीं बोल रहा यह पांच मुद्दे इनको एप्लीकेबल है बट हां याद रखने के लिए एग्जामिनेशन में आप इनका धन्यवाद जरूर करोगे क्या है एच एम एंड पी एम फुलफॉर्म बोलने की जरूरत नहीं आपको ऑलरेडी पता है अच्छा तो एच एम एंड पी एम आपको कैसे हेल्प करेगा वो एच से हॉबीज आता है एम से माइजर आता है ए से एडिक्शन आता है पी से सॉरी पावर आता है एम से मनी आता है आ गया जी हमको तो याद आ गया थैंक यू जी आपका भी और आपका भी बच्चों को काम आ गया आपका जो पोजीशन है हमारे देश में ओके जी सो एच एंड पी एम आपको जरूर हेल्प करेगी ये याद रखने में पांच एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आई रिपीट जितना हो सके जितने जो जरूरी सवाल है उनका जवाब हमें कोडिंग में जरूर देते हैं और ये सारी चीज़ें सारे आंसर सारे तस्वीरें आपको पीडीएफ में जरूर मिल जाएगी खास करके इस एच एम एंड पिच पी एम के स्टाइल में आप आपके दोस्तों के साथ में वो पी जो टेलीग्राम के चैनल पे हमारे और वेबसाइट पे अवेलेबल होगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद में आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें चैनल की जानकारी भी आप उनके साथ शेयर करें लेक्चर्स का लिंक भी आप उन्हें ज़रूर भेज दें ताकि उनको ये भी उपयोगी साबित हो सके ओके okay, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए बेल आइकन नहीं दबाया दबा दीजिए मैं हर लेक्चर के आखिर में ये बोलता हूँ क्या करें मेरी ड्यूटी होती है ताकि ये चैनल का जो उद्देश्य है पर्पस है वो है फ्री के लेक्चर्स अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स अच्छा टीचिंग जितने बच्चों तक हो सके उतने बच्चों तक पहुँचाया जा सके ताकि आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी पढ़ाई कभी ना रुके जब तक हम दोबारा ना मिले बड़ों का छोटों का परिवार वालों का सभी का ख्याल रखें आपका दिन शुभ जाए ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर और आशीष हमेशा बनी रहे बाय बाय बायन